आइए हम लोग आज के लिए हम लोग उपदेश वचन को हम लोग सुनेंगे। हम लोग मनन के लिए जो हम सबों के लिए मिलता है लूका रचित सुसमाचार और उसका 10 अध्याय पद 38 से लेकर 42 पद तक। लूका रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय पद 38 से लेकर 42 पद तक हम सभी ध्यान से सुने। प्रभु का वचन इसमें यूं कहता है, मार्था और मरियम के घर यीशु। लूक चैप्टर 10 वर्स 38-42। जब वे जा रहे थे तो वह एक गांव में गया और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेले ही छोड़ दिया है? इसलिए उससे कह कि मेरी सहायता करे। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, परंतु एक बात अवश्य है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना ना जाएगा। यही तय, आमीन। एक बार फिर कर आप सबों से निवेदन है कि अपने अपने जगहों पे आप लोग बैठ जाएंगे। एक बार फिर कर आप सबों का संध्याकालीन समाज आराधना में हार्दिक हम स्वागत करते हैं। प्रभु को धन्यवाद मत में प्रियो कि एक बार फिर से हम एक जन हम लोग इस आराधना के नाम एक दूसरे के साथ में हम लोग जुड़ने पाए हैं और परमेश्वर के निकट आए हैं ताकि हम परमेश्वर की स्तुति और परमेश्वर की हम महिमा कर सकें। मसीह में प्रियो, एक बुक को मैं पढ़ रहा था जहाँ पर बहुत ही सुंदर वाक्य था मेरे प्रियो। उस बुक में ऐसा संदेश था कि जिंदगी आइसक्रीम की तरह है, टेस्ट करो तो भी पिघलती है, वेस्ट करो तो भी पिघलती है। हाँ मेरे प्रियो, बहुत ही सुंदर वाक्य था कि जिंदगी आइसक्रीम की तरह है, टेस्ट करो तो भी पिघलती है, वेस्ट करो तो भी पिघलती है, इसलिए टेस्ट करना सीखो, वेस्ट तो वैसा ही हो रहा है। हाँ मेरे प्रियो, इसका मेरे प्रियो बहुत ही गहराई अर्थ है, मेरे प्रियो बहुत ही गहरा अर्थ है। मेरे प्रियो प्रभु को धन्यवाद कि ऐसे कोरोना के समय में भी मेरे प्रियो आप पर हम समय को जिंदगी को हम व्यर्थ नहीं कर रहे हैं मेरे प्रियो, लेकिन हम टेस्ट कर रहे हैं, हम परमेश्वर के निकट आ रहे हैं मेरे प्रियो, और ताकि हम लोग परमेश्वर के साथ में जुड़ सकें, परमेश्वर की महिमा कर सकें। मेरे प्रियो कितने ऐसे लोग हैं जो मेरे प्रियो ऐसे समय में भी उनको मौका मिल रहा है लेकिन वे लोग मेरे प्रियो आराधना से वे लोग रहित हैं, वे लोग वचन सुनने से वे लोग रहित हैं मेरे प्रियो। लेकिन प्रभु को धन्यवाद कि आपके लिए हमारे लिए ऐसा मौका को दिया है कि हम इस समय को, हाँ मेरे प्रियो, आज हम वेस्ट नहीं करते हैं मेरे प्रियो, लेकिन हम टेस्ट करने पाते हैं कि हम परमेश्वर के पास हम लोग आने पाते हैं। और मेरे प्रियो जब आप परमेश्वर के पास आते हैं, जब आप यीशु मसीह के निकट आते हैं, जब आप वचन के निकट आते हैं मेरे प्रियो, नीचे परमेश्वर आपको खाली हाथ आपको जाने नहीं देता। लेकिन मेरे प्रियो कहीं उससे बढ़कर जो आप सोचते हैं, हम सोचते हैं, उससे बढ़कर परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करता है। हाँ मेरे प्रियो, आप सोचे नहीं रहते हैं, ऐसी बातों को आपके जीवन में प्रदान करता है। और आज के वचन में हम ऐसी ही बातों को देखते हैं मेरे प्रियो, हम ऐसी ही बातों को देखते हैं कि यीशु मसीह मेरे प्रियो ये एक गांव से होकर जा रहे थे और मेरे प्रियो उन्होंने मार्था और मरियम के घर में मेरे प्रियो उन्होंने क्या किया, हाँ मेरे प्रियो वहाँ पर प्रवेश किए। और ऐसे समय में मेरे प्रियो उस घर के लोग यीशु मसीह को अपने घर में पाकर उनके स्वागत के लिए, उनके सेवा के लिए हम मेरे प्रियो जहद करते हैं और मेरे प्रियो निश्चय नाना प्रकार उनका सेवा करने के लिए वो तैयारियां करते हैं। और उसी क्रम में मेरे प्रियो हम देखने पाते हैं, हाँ उसी क्रम में आप और हम लोग देखने पाते हैं कि वहाँ पर हम देखने पाते हैं मेरे प्रियो कि जो मार्था है वो यीशु मसीह की सेवा के लिए उसके लिए भोजन का प्रयास बनाने का प्रयास करती है, उनके लिए तैयारियां करती है। लेकिन मेरे प्रियो उस स्थान में हम लोग देखने पाते हैं कि जो मरियम है, हाँ मेरे प्रियो, वो यीशु मसीह के चरणों के पास में बैठती है। जहाँ पर मार्था वहाँ पर भोजन की तैयारियां कर रही है, उनका सेवा सुसर के लिए तैयारियां की रही है, मेरे प्रियो उसी स्थान पे मरियम वहाँ पर मेरे प्रियो यीशु मसीह के चरणों में बैठती है, उसके वचन को सुनती है मेरे प्रियो। और मेरे प्रियो वहाँ पर मार्था यीशु मसीह से कहती है कि हे प्रभु,
मैं काम करते करते मैं थक गई हूँ, और यहाँ पर मरियम आपके पास में बैठी हुई है, आप मरियम से कहिए कि वो मेरी सहायता करें। मेरे प्रियो, यीशु मसीह का वहाँ पर क्या कथन था वहाँ पर मार्था के लिए? मेरे प्रियो, वहाँ पर वो यीशु मसीह मार्था से कहते हैं कि हे मार्था, तू बहुत सी बातों के लिए चिंता करती है, लेकिन एक बात है कि मरियम ने उत्तम बात को चुन लिया है, उत्तम बात को चुन लिया है, उत्तम भाग को जो उससे छीना नहीं जाएगा। हाँ मेरे प्रियो, वहाँ पर मार्था का सेवा करना कोई गलत नहीं था। जब आपके घर में, जब हमारे घर में कोई व्यक्ति आते हैं, कोई अतिथि आते हैं, तो हम भी सोचते हैं कि हम उसका सेवा करें, हम उसका मेरे प्रियो देखभाल करें, हम उसके लिए व्यवस्था करें, तो उसका गलत नहीं था। लेकिन मेरे प्रियो, उससे बढ़कर हमारा परमेश्वर क्या चाहता है, हम इस बात का ध्यान दें। नीचे जब आपके घर में कोई गेस्ट आते हैं, हम उनका सेवा करना है, सुसर करना है मेरे प्रियो, वो सेवा को दिखाता है। लेकिन मेरे प्रियो, उससे बढ़कर जब आप और हम लोग जब मसीही लोग हैं, तो इस बात को भी जानना है कि यीशु मसीह क्या चाहता है, यीशु मसीह की इच्छा क्या है मेरे प्रियो। यीशु मसीह का इच्छा है मेरे प्रियो कि हम हर एक बातों से बढ़कर हम परमेश्वर की संगति करें, हम परमेश्वर के चरणों के पास में बैठे मेरे प्रियो, और हम परमेश्वर के वचन पर हम ध्यान और मनन करें, परमेश्वर की संगति करें मेरे प्रियो। और जब ऐसा करते हैं मेरे प्रियो, निश्चय हम इस विश्वास करें कि हम बहुत आत्मिक जीवन को हम लोग प्राप्त कर पाएंगे। मरियम वहां पर सोची भी नहीं थी कि मरियम से यीशु मसीह कहेंगे, मार्था से कहेंगे कि मरियम ने उत्तम भाग को चुन लिया है। वो साधारण से केवल यीशु मसीह के चरणों के पास बैठी थी, उसके वचनों को वो सुन रही थी मेरे प्रियो, और उनके विषय में कहा जाता है कि मरियम ने उत्तम भाग को चुन लिया है जो उसे छीना नहीं जाएगा। मेरे प्रियो, कितनी बड़ी बात था वहां पर मरियम के लिए कि वो उत्तम भाग को चुन ली थी। और मेरे प्रियो, आज हम लोग मनन करने पाएंगे कि वो उत्तम भाग कौन सा है, उत्तम भाग क्या था। मेरे प्रियो, उत्तम भाग था जो मरियम के लिए था मेरे प्रियो, वो उत्तम भाग था उपासना का जीवन। हाँ, उपासना का जीवन। मेरे प्रियो, मरियम वहां पर उपासना का जीवन को वो चुन ली थी कि वो परमेश्वर की उपासना करें, परमेश्वर की महिमा करें। हाँ, परमेश्वर की उपासना करने का जीवन को वो चुन ली थी मेरे प्रियो। और यीशु मसीह यही बोल रहे कि उत्तम भाग को चुन लिया है। उत्तम भाग क्या है? परमेश्वर को उपासना करने का जीवन को वो चुन ली थी। जब निर्गमन 27:25 पद को पढ़ते हैं, वचन कहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना कर, तब वो तेरे अंचल पर आशीष देगा और तुम्हारे बीच में से रोगों को दूर करेगा। मेरे प्रियो, कितनी बड़ी बात है कि यदि आप और हम परमेश्वर की उपासना करते हैं, उसकी महिमा करते हैं, तो प्रभु कहता है कि वह आपके अंचल पर आशीष देगा, और न केवल आशीष देगा, आपके बीच में से, आपके परिवार में से, आपके जीवन में से वो बीमारियों को भी क्या करेगा, दूर करेगा। तो उपासना भरा जीवन को यीशु मसीह ने क्या कर लिया था, चुन लिया था मेरे प्रियो। आप आज, आप और हम लोग देखिए मेरे प्रियो, कि आज हम लोग कौन सा जीवन को चुनते हैं। आज जब कोरोना का ऐसा प्रकोप चारों ओर मेरे प्रियो फैला हुआ है, ऐसे समय में आज हम दिन कैसे व्यतीत कर रहे हैं, कैसे दिन आज हम काट रहे हैं मेरे प्रियो। आज नाना प्रकार की चीजों को करके आज हम दिन काट रहे हैं। कोई टीवी देख रहा है, कोई लूडो खेल रहा है, कोई मेरे प्रियो काम कर रहा है, कोई सो रहा है, कोई व्यर्थ का मेरे प्रियो जीवन को व्यतीत कर रहा है। सोचिए मेरे प्रियो, आज आप और हम लोग कैसे कर रहे हैं। हाँ मेरे प्रियो, आज बहुत ही सोचने और विचारने बिंदु है मेरे प्रियो। आज कितने ऐसे लोग हैं जो घंटों घंटों आज टीवी में समय को व्यतीत कर रहे हैं, घंटों घंटों मेरे प्रियो आज मोबाइल में आज समय को व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन क्या आज आप और हम मरियम के जैसा उपासना करने का जीवन को क्या आज आप और हम लोग चुनने पाए हैं? निर्गमन 27:25 को याद कर रहे हैं मेरे प्रियो, वचन साफ साफ कहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा को उपासना कर, तब वो तेरे अंचल पर आशीष देगा और तुम्हारे बीच में से रोगों को दूर करेगा। आज परमेश्वर के वचन का प्रतिज्ञा है मेरे प्रियो कि जब हम उस उत्तम भाग को चुन लेंगे, उपासना का जीवन को चुन लेंगे, ना केवल परमेश्वर आपके अंचल पर आशीष देगा, लेकिन आपके जीवन से उन हर एक समस्याओं को, परेशानियों को, बीमारियों को भी दूर करेगा। लेकिन मेरे प्रियो, आज हम उपासना करने के लिए आज समय नहीं है। आज हमारे पास नाना प्रकार का समय है, बहुत सारे व्यर्थ चीजों के लिए समय है, लेकिन मेरे को उपासना करने के लिए समय नहीं है। मेरे प्रियो, मैं एक वाक्य को और मैं पढ़ रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था कि समुद्र सबों के लिए एक जैसा है। कोई समुद्र में से मोती निकालता है, तो कोई मछली निकालता है, तो कोई अपना पैर गिली करता है। जिंदगी भी इसी तरह से है मेरे प्रियो, और ये आप पर निर्भर करता है कि आप इस जिंदगी में आप क्या चाहते हैं।
हाँ मेरे प्रियो, आप टीवी देखना चाहते हैं या तो आप मोबाइल में आप समय व्यतीत करना चाहते हैं, आप लूडो में समय को व्यतीत करना चाहते हैं या तो व्यर्थ के कामों में व्यतीत करना चाहते हैं, सोना चाहते हैं या तो आप मरियम के जैसा परमेश्वर की उपासना और परमेश्वर की आप महिमा करना चाहते हैं। मेरे प्रियो, आज सोचने और विचारने बिंदु है। हाँ, जब हम परमेश्वर की उपासना महिमा करने वाला बनेंगे मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत अद्भुत कार्य को करना शुरू कर देगा। परमेश्वर आपके जीवन में छुटकारा के कार्य को पूरा करना शुरू कर देगा मेरे प्रियो। प्रेरित क्रिया 16 अध्याय उसका 25 से आगे पद में जब पढ़ते हैं, सिलास और पौलुस जब बंदी गृह में हैं, जब परमेश्वर की उपासना कर रहे हैं, जब वो परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, मेरे प्रियो बंदी गृह का जो मेरे प्रियो जो द्वार है वो खुलना शुरू हो गया, जो बेड़ियाँ हैं वो खुलना शुरू हो गया मेरे प्रियो। आज आपको और हमको भी मरियम के जैसा उपासना का जीवन को आज चुनना है मेरे प्रियो। ये उत्तम बातें हैं मेरे प्रियो। टीवी देखने से कहीं ज़्यादा, मोबाइल देखने से कहीं ज़्यादा, लूडो खेलने से कहीं ज़्यादा, सोने से कहीं ज़्यादा परमेश्वर को उपासना करना ये उत्तम भाग है मेरे प्रियो। और इसी उत्तम भाग को हाँ मेरे प्रियो वहाँ पर मरियम ने चुन लिया था। आज आपके लिए हमारे भी ये सुनहरा अवसर है मेरे प्रियो कि लोग समुद्र से मोती चुनते हैं, समुद्र से मछलियाँ निकालते हैं, कोई पैर गिली करते हैं, आप क्या करते हैं अपनी ज़िंदगी से? मेरे प्रियो आज भी कितने ऐसे लोग हैं जब ऐसा आराधना होता है, मेरे प्रियो जब ऐसा समाज होता है लोग आज नहीं जुड़ रहे हैं। अच्छे अच्छे लोग होते हैं मेरे प्रियो, पेरिस के लोग होते हैं, ऐसे अपने आप को विश्वासी गण कहते हैं, लेकिन परमेश्वर की आराधना के लिए महिमा के लिए नहीं जुड़ने पाते हैं मेरे प्रियो। आज आपके लिए हमारे लिए बहुत ही परमेश्वर को धन्यवाद देने का विषय है कि हम परमेश्वर की उपासना के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए एक दूसरे के साथ में जुड़ने पाए हैं। इसी के साथ में मेरे प्रियो जो दूसरी बातें हैं, मरियम ने कौन सा उत्तम भाग को चुन लिया था? उन्होंने शिक्षा ग्रहण करने का जीवन को चुन लिया था। हाँ मेरे प्रियो, उन्होंने शिक्षा ग्रहण करने का जीवन को चुन लिया था, ये मरियम के लिए उत्तम भाग था। हाँ मेरे प्रियो, नीति वचन 10 उसका 17 पद को जब पढ़ते हैं, वचन कहता है कि जो शिक्षा पर चलता है वो जीवन के मार्ग पर है। मेरे प्रियो नीति वचन 10:17 में साफ सा वचन कहता है कि जो शिक्षा पर चलता है, हाँ मेरे प्रियो जो शिक्षा पर चलता है वो जीवन के मार्ग में है। जो मार्था जो मरियम थी मेरे प्रियो वो जीवन के मार्ग में थी, परमेश्वर के वचन को सुन रही थी, सीख रही थी, और उनका सीखना वचन को सुनना वो व्यर्थ नहीं जाएगा मेरे प्रियो, क्योंकि वचन कहता है जो वचन की जो शिक्षा पर चलता है वो जीवन के मार्ग में है। जब आप और हम ऐसे वचन को सुनते हैं मेरे प्रियो, निश्चय आप और हम भी जीवन के मार्ग में हम लोग अग्रसरित होते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं मेरे प्रियो। आज हम लोग प्रयास करें कि जो ऐसे लॉकडाउन के समय में मेरे प्रियो आपका हमारा ध्यान हमारा मन वचन पर लगा रहने पाए, शिक्षा पर लगा रहने पाए मेरे प्रियो। आज आपके घरों में बाइबल है, आज आपके पास में बहुत सारे से धार्मिक किताबें हैं मेरे प्रियो। आज व्यर्थ में समय व्यतीत करने से कहीं ज़्यादा है कि हम उस शिक्षा को, मसीह शिक्षा को हम आज हम लेने का हम प्रयास करें। और जब ऐसा करेंगे मेरे प्रियो, नीचे ये जो कोरोना ये है प्रभाव है, जो लॉकडाउन है मेरे प्रियो, ऐसे समय में भी हम परमेश्वर के अद्भुत आशीष को अधिकाई से हम देखने पाएंगे मेरे प्रियो। इसी के साथ में जो तीसरी बातें हैं वो है अधीनता का जीवन। हाँ मेरे प्रियो, वो उत्तम जीवन क्या था? अधीनता का जीवन। हाँ मेरे प्रियो, वहाँ पर मरियम यीशु के अधीन में हो गई, वो उसके वचन को सुनना शुरू की, उसके चरणों के पास में बैठ गई मेरे प्रियो। हाँ, आज आप और हम लोग किसके अधीन किए हैं मेरे प्रियो? सोचें, किसके अधीन, किसके अंडर में आप और हम लोग रहते हैं? भजन संहिता उसका 27 उसका 4 पद में वचन कहता है, दाऊद वहां पर कहता है मेरे प्रियो कि मैंने परमेश्वर से एक वर मांगा है कि मैं परमेश्वर के यत्न में मैं लगा रहा हूं, मैं परमेश्वर के भवन में मैं बैठा रहा हूं। हाँ मेरे प्रियो, मरियम जो थी परमेश्वर के अधीन में हो गई थी मेरे प्रियो। उन्होंने कहा कि मैं परमेश्वर के यत्न में मैं लगा रहूंगा दाऊद ने कहा। मेरे प्रियो, आज आप किसके अधीन में हैं? आप मोबाइल के अधीन में हैं या तो संसारिकता की बातों के अधीन में हैं? किन बातों में आप अधीन में हैं मेरे प्रियो? आज आपका जीवन हमारा जीवन परमेश्वर के अधीनता का जीवन होने पाए मेरे प्रियो, ये उत्तम भाग है। जब आप और हम जब परमेश्वर के अधीनता में जब जीवन को व्यतीत करेंगे मेरे प्रियो, निश्चय हम जीवन को हम प्राप्त करने पाएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है और धर्मी जन उसमें भागकर दुर्घटनाओं से बचता है। जब आप परमेश्वर के अधीन में होकर जीवन को व्यतीत करेंगे, वचन कहता है मेरे प्रियो, निश्चय यहोवा हमारा दृढ़ गढ़ है और धर्मी उसमें भागकर हर एक प्रकार के दुर्घटनाओं से, हर एक प्रकार के समस्याओं से क्या करता है? वो बचता है। आज आपके लिए हमारे लिए परमेश्वर ने ऐसा मौका को दिया है मेरे प्रियो कि हम किसी और के अधीन में नहीं, लेकिन हम परमेश्वर के अधीन में रहें। हम पाप और बुराई के अधीन में नहीं, हम टीवी के अधीन में नहीं, लेकिन मेरे प्रियो हम परमेश्वर के अधीन में रहें।
और जब परमेश्वर के अधीनता में जीवन को व्यतीत करेंगे मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के अद्भुत आशीषों को हम अपने जीवन में हम देखने पाएंगे मेरे प्रियो। और इसी के साथ में जो चौथा जो उत्तम भाग था क्या था मेरे प्रियो, वो था अलगाव का जीवन। हाँ मेरे प्रियो, जो चौथा भाग था वो अलगाव का जीवन। मार्था वहाँ पर मेरे प्रियो भोजन वस्तु बनाने में विभिन्न प्रकार की तैयारियाँ में वो लगी हुई थी, लेकिन उससे हटकर उससे अलग होकर मेरे प्रियो वहाँ पर जो मरियम है वो परमेश्वर के वचन को सुन रही है, वो उसके चरणों के पास में वो बैठी हुई है मेरे प्रियो। वो अलगाव का जीवन, एक अलग जीवन को व्यतीत करना चाह रही है मेरे प्रियो। हाँ कैसा जीवन? धार्मिकता का जीवन। कैसा जीवन मेरे प्रियो? वो धार्मिकता का जीवन को व्यतीत करने का प्रयास करिए। वचन कहता है नीति वचन 12:28 पर कि धर्म के मार्ग में जीवन मिलता है, धर्म के मार्ग में जीवन मिलता है और उसके पथ में मृत्यु का पता भी नहीं चलता। हाँ मेरे प्रियो, धर्म के मार्ग में जीवन मिलता है और उसके मार्ग में मृत्यु का पता भी नहीं चलता है। जब आप और हम मेरे प्रियो सचमुच में अलगाव का जीवन व्यतीत करते हैं, अर्थात जब आप और हम ऐसा निर्णय लेते हैं कि मैं परमेश्वर के साथ में बैठूंगा, परमेश्वर के निकट में बैठूंगा, मेरे प्रियो परमेश्वर आपके जीवन को ऊंचे पर उठाता है। आज मेरे प्रियो मरियम वहां पर अलगाव का जीवन को चुन ली। और इसी तरह से हम लोग देखने पाते हैं अलगाव का जीवन दानियल 3:17-18 पर। मेरे प्रियो वहाँ पर जो दानियल के मित्र हैं सदरक मेसक अबेदनेगो, वहाँ पर मेरे प्रियो वे लोग नबूकदनेस्सर राजा का उपासना करना नहीं चाहते हैं। वहाँ पर वे कहते हैं कि सब लोग उसकी उपासना करें तो करें, लेकिन हमारा परमेश्वर हमको बचाए या तो ना बचाए, हम केवल और केवल हम यहोवा परमेश्वर की ही उपासना करेंगे। हाँ मेरे प्रियो, वो कहते हैं कि लोग करें तो करें, लेकिन हम केवल परमेश्वर यहोवा को उपासना करेंगे। आज आपके लिए हमारे विचारने बिंदु है मेरे प्रियो, क्या आज हम लोग अलगाव भरा जीवन को जीना चाहते हैं? लोग ऐसे व्यर्थ में समय व्यतीत करें तो करें, लोग जैसा तैसा जीवन को व्यतीत करें तो करें, लेकिन मैं परमेश्वर की महिमा में, परमेश्वर की सेवा में, परमेश्वर की आराधना में मैं जीवन को व्यतीत करूँगा। क्या आप और हम लोग ऐसा कहते हैं मेरे प्रियो? आज विचारने बिंदु है मेरे प्रियो कि हम लोगों से एक अलग जीवन को हम व्यतीत करें। सदरक मेसक अबेदनेगो ने कहा लोग राजा नबूकदनेस्सर की उपासना करते हैं, उसकी महिमा करते हैं, उसकी मूर्ति की महिमा करते हैं, लेकिन हम उसकी उपासना हम नहीं करेंगे, हम केवल यहोवा ही की उपासना करेंगे। इस लॉकडाउन में आपके लिए हमारे मौका है मेरे प्रियो कि हम अलगाव वाला जीवन को व्यतीत करें। लोग हो सके नाना प्रकार की चीज़ों में समय को व्यतीत कर रहे हैं, टीवी में, मोबाइल में, खेल में, बहुत सारे चीज़ों में, लेकिन आपका जीवन परमेश्वर की उपस्थिति में रहने पाए, परमेश्वर के निकट में रहने पाए। भजन संहिता 84:10 कहता है कि परमेश्वर के भवन का एक दिन कहीं और के हजार दिन से कहीं उत्तम है। परमेश्वर के भवन का एक दिन कहीं के और के हजार दिन से कहीं उत्तम है मेरे प्रियो। जहाँ कहीं आप समय को व्यतीत करते हैं उससे कहीं बेटर है कि आप और हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहें, और ऐसा जीवन मेरे प्रियो परमेश्वर को भाता हुआ जीवन है। और इसीलिए मेरे प्रियो नीचे प्रभु यीशु मसीह ने मार्था से कहा कि हे मार्था, इतना जान ले कि मरियम ने उत्तम भाग को चुन लिया है जो उसे छीना नहीं जाएगा। उत्तम भाग को चुन लिया है मेरे प्रियो जिसमें मृत्यु का पता ही नहीं चलता है, जिसमें धर्मी जन भाग कर हर एक दुर्घटना से क्या करता है, बचता है। आज आपके लिए हमारे लिए आवश्यकता है मेरे प्रियो कि आज हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहें, परमेश्वर के निकट में रहें मेरे प्रियो। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने कहा है कि हाँ, समुंदर से कोई मोती निकालता है तो कोई मछली निकालता है, कोई अपने पैर गीली करता है, और ये आप पर निर्भर करता है मेरे प्रियो कि आप इस जिंदगी से आप क्या चाहते हैं। हाँ मेरे प्रियो, मैंने कहा इस जिंदगी को आप टेस्ट करेंगे आइसक्रीम की तरह है, आप टेस्ट करेंगे तो भी पिघलेगा, वेस्ट करेंगे फिर भी पिघलेगा। इसलिए हम टेस्ट करा सीखे मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के निकट में आए, परमेश्वर की उपस्थिति में आए मेरे प्रियो, और उसकी आराधना में, उसकी सेवा में हम जीवन को व्यतीत करेंगे। इसी तरह से मेरे प्रियो जो उत्तम भाग था वो अंतिम बात है मेरे प्रियो, पांचवी बातों में से अंतिम बात है, वो है संगति करने का जीवन। मरियम ने जो भाग को चुना था मेरे प्रियो वो था संगति करने का जीवन। हाँ मेरे प्रभु, वो यीशु मसीह की वो संगति की, संगति करने का जीवन को उन्होंने क्या कर लिया, उस उत्तम भाग को चुन लिया मेरे प्रभु। इब्रानी 10:25 कहता है कि जो जो तुम उस देश को उस दिन को आते हुए देखो, तुम एक दूसरे के साथ में इकट्ठा होना ना छोड़ो। हाँ मेरे प्रभु, प्रभु चाहता है कि हम संगति करें। निश्चय मेरे प्रियो ये कोरोना के कारण से, लॉकडाउन के कारण से आज हम लोग एक दूसरे के साथ में आज हम लोग संगति नहीं करने पा रहे हैं,
लेकिन मेरे प्रभु परमेश्वर ने आपके लिए द्वार खोला है, हमारे लिए रास्ता खोला है मेरे प्रभु, कि हम ऑनलाइन के द्वारा तो कम से कम हम जुड़ सकते हैं, लेकिन ऐसे समय में भी आज कितने ऐसे लोग हैं हमारे मंडली में हैं, हमारे पेरिस में हैं, हाँ मेरे प्रभु, लेकिन आज हम लोग नहीं जुड़ पाते हैं। सोचिए कि कितनी बड़ी बात है। प्रभु चाहता है कि जो जो उस दिन को आते हुए देखो, एक दूसरे के साथ में तुम इकट्ठा होना ना छोड़ो। लेकिन मेरे प्रभु आप देखिए कितने लोग आज हम लोग जुड़ पाते हैं। क्या आज हमारे मंडली में 56 लोग हैं? मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर 56 लोग जुड़े हुए हैं। क्या आज हमारे मंडली में केवल 56 लोग हैं? क्या आज हमारे पेरिस में केवल 56 लोग हैं? मेरे पे सोचने वाली बात है कि आज परमेश्वर ऐसा मौका को दिया है कि ऑनलाइन के द्वारा भी हम लोग क्या हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं, लेकिन इसमें भी आज बहुत सारे लोग जुड़ने नहीं पाते हैं। मेरे पे सोचिए परमेश्वर ने क्या कहा कि मरियम ने उत्तम भाग को चुन लिया। जब हम उसके निकट में आते हैं, उसका उपासना भरे जीवन को व्यतीत करते हैं, शिक्षा ग्रहण करने वाला जीवन को जीते हैं, आधीनता का जीवन को व्यतीत करते हैं, अलगाव का जीवन को व्यतीत करते हैं, संगति का जीवन को व्यतीत करते हैं, परमेश्वर आपके लिए भी यही कहता है कि हम लोगों ने क्या चुन लिया है, उत्तम भाग को चुन लिया है, और आप और हम मेरे प्रभु निश्चय हम बचाए जाएंगे। एक घटना को बोलकर मैं अंत करना चाहूँगा। मेरे प्रभु यह सच्ची घटना है, यह सच्ची घटना है मेरे प्रभु। हमारे कलिशिया के पुरोहित साहब हैं, हमारे कलिशिया के पुरोहित साहब हैं, और वो बतलाते हैं, एक बार जब उनसे मैं वार्तालाप कर रहा था, वे बतलाते हैं, पादी साहब मालूम है क्या हुआ, एक संध्या को मैं अपने ससुराल गया हुआ था, और जब अपने ससुराल में गया हुआ था, वहाँ का रीत था कि वे लोग शाम के समय वे आंगन में, बहुत बड़ा आंगन था, और उस बड़े आंगन में वे शाम को एक साथ बैठते थे, और वे लोग वचन पढ़ते थे, और वे लोग परमेश्वर की स्तुति और महिमा करते थे, उसके गीतों को गाते थे। और वे पादरी साहब बताते हैं कि उस शाम जब मैं गया हुआ था, उस दिन भी वे लोग क्या किए कि भरा पूरा परिवार है, और सारे परिवार के लोग आंगन में बैठ के वे लोग वचन पढ़ रहे हैं। बहुतों के हाथ में बाइबल है, साक्षी वाणी है, और जब वे लोग परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, उसी समय उनके बीच में, उनके आंगन में, हाँ मेरे प्रियो, जो जंगल वाले हमारे भाई हैं, वे वहाँ पर क्या कर दिए, प्रवेश कर दिए। हाँ मेरे प्रियो, हम लोग समझ सकते हैं मेरे प्रियो, जो जंगल में जो रहते हैं वे भाई प्रवेश कर गए, और मेरे प्रियो ऊँचे शब्द में गरजते हुए उन्होंने कहा, क्या कहा कि फलना फलना व्यक्ति कौन है। मेरे प्रभु जैसे ही उन्होंने उनका आवाज़ सुना कि ये जंगल वाले लोग हैं, वे डर से कांपने शुरू किए। मेरे प्रभु उनमें से बहुत सारे लोग बहुत ऊंची आवाज़ में कहा कि फलना फलना व्यक्ति कौन है। मेरे प्रभु पादरी साहब भी डर गए, और लोग भी डर गए कि क्या बात हो गया, आज ऐसा ये क्यों हो गया। मेरे प्रभु उस परिवार के दो लोगों ने कहा, वो व्यक्ति हम ही लोग हैं। मेरे प्रियो जो जंगल वाले लोग थे, गरजते हुए कहा, अच्छा फलना फलना व्यक्ति तुम ही लोग हो, आज हम लोगों ने ठान के आए थे यहाँ पर, हम लोगों ने निर्णय ले लिया था कि आज हम लोग तुमको क्या कर देंगे, दोनों को गोली मार देंगे, आज जान हम लोग ख़त्म कर देंगे। लेकिन जैसे ही हम लोगों ने यहाँ आंगन में चढ़ा, आप लोगों को हम गीत गाते देखें, और आप लोगों के हाथ में बाइबल देखें, और मालूम ये बाइबल आज आप लोगों का जान को क्या कर दिया है, बचा दिया। हाँ, हम लोगों ने आज ठान के आया था कि किसी भी कीमत में हम लोग आप लोगों को नहीं छोड़ेंगे, लेकिन आप लोगों को ये जो वचन है, आप लोगों का जो महिमा है, ये आपको क्या कर दिया, बचा दिया। ये बाइबल आपको आज बचा दे रहा है, लेकिन आप लोगों के लिए चेतावनी है कि आगे से आप कुछ ऐसा काम नहीं करेंगे, नहीं तो आप लोग कोई बचा नहीं पाएगा। मेरे प्रभु, और वे लोग इस चेतावनी के साथ में चले गए। मेरे प्रभु उस घर के लोग थोड़ा देर के लिए तो शोक हो गए, संत हो गए, लेकिन थोड़ी देर बाद उन्होंने कहना शुरू किया, अरे ये कैसी बातें हैं, परमेश्वर को धन्यवाद देने का विषय है कि हम लोग इस स्थान में हम लोग परमेश्वर की आराधना कर रहे थे, हम लोग बाइबल पढ़ रहे थे, अगर इसके जगह हम लोग टीवी देखे रहते, इसके जगह पे हम लोग खेलते रहते, इसके जगह हम लोग व्यर्थ हम लोग गपशप किए रहते, तो आज वे लोग आते और हम लोग को क्या करते, मार के चले जाते। लेकिन ये जो उपासना का जो समय था, ये जो परमेश्वर के निकट में रहने का जो समय था, ये जो परमेश्वर को महिमा देने का समय था, वे आज हमारे परिवार के सदस्यों को बचा दिए, हमारे जान को बचा दिए। हाँ मेरे प्रियो, और फिर से उन्होंने कहा कि नहीं, ये आराधना, ये परमेश्वर की महिमा करना हम नहीं छोड़ेंगे। हाँ मेरे प्रियो, आज आपके लिए, हमारे लिए भी आज हो सकता है कि हम परमेश्वर की आराधना करना, परमेश्वर की महिमा करना हम ना छोड़ें। हम इस बात को जाने मेरे प्रियो कि परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन को बचाता है, परमेश्वर का वचन आपके जीवन को बदलता है मेरे प्रियो।
थोड़ा सा गौर कीजिए, अगर वो परिवार उस दिन हम मेरे प्रभु वचन ना पढ़ते, यदि वो लोग आराधना महिमा नहीं करते, उस स्थान में कुछ और करते, तो सोचिए क्या परिणाम होता। जो जंगल वाले भाई थे मेरे प्रभु, उन्होंने यही कहा कि आज तुम्हारे ये जो बाइबल है, ये जो तुम्हारा संगति है, तुम्हारा महिमा करना है, आज तुम्हें क्या कर दिया है, आज तुम्हें जीवन का दान दिया है। आज मेरे प्रभु परमेश्वर आपको जीवन देना चाहता है, इसीलिए मेरे प्रभु आज अपने जीवन को हम लोग वेस्ट ना करें, हाँ वेस्ट ना करें मेरे प्रभु, लेकिन हम जब ऐसा मौका को मिला है, ऐसा अवसर को दिया है, एक दूसरे के साथ में हम लोग जुड़ें, हम लोग संगति करें। निश्चय ये लॉकडाउन, ये कोरोना के समय में भी प्यार पिता मेरे प्रियो, हम परमेश्वर की अद्भुत आशीष को अपने जीवन में, अपने परिवारों में हम देखने पाएंगे। अन्यथा में तो मेरे प्रियो, हम अगर व्यर्थ के बातों में हम समय को व्यतीत करेंगे, व्यर्थ के चीज़ों में ध्यान लगाएंगे मेरे प्रियो, कुछ भी लाभ नहीं होगा। ये सुंदर मौका को दिया है मेरे प्रियो, ये सुंदर अवसर को दिया है। अगर आप और हम लोग पढ़ेंगे आमोस 8 उसका 11 और 12 पद में, कि उस समय ऐसा होगा कि उस समय अन्न जल की भूख प्यास नहीं होगी, उस समय वचन की ही भूख प्यास होगी। लोग मारे मारे फिरेंगे, समुंदर से समुंदर मारे मारे फिरेंगे, लेकिन उन्हें वचन नहीं मिलेगा, अन्न जल का भूख प्यास नहीं होगा। मेरे प्रियो इस लॉकडाउन में तो लोग अन्न जल का भूख प्यासा है, हाँ मेरे प्रियो लोगों को भूख और प्यास लग रहा है, लेकिन और भी ऐसा आने वाला समय होगा मेरे प्रियो, जहाँ पर मेरे प्रियो अन्न जल का भूख प्यास नहीं होगा, वचन का भूख प्यास होगा। और ऐसे समय में प्रियो उन्हें वचन नहीं मिलेगा। आज तो आपको ऑनलाइन के माध्यम के द्वारा भी आपको वचन मिल रहा है, आज आपको संदेश मिल रहा है मेरे प्रियो, लेकिन तो भी आज हम लोग विश्वस्तता के साथ आज हम लोग जुड़ नहीं रहे हैं। आज जुड़े मेरे प्रियो, मरियम वहाँ पर परमेश्वर के चरणों के पास आई, उसके वचन को सुनी, उसकी संगति की, उसके शिक्षा को ग्रहण की, उसकी उपासना की मेरे प्रियो, और एक अधीनता का जीवन, एक अलगाव का जीवन को व्यतीत की। और प्रभु यीशु ने कहा कि मरियम ने उत्तम भाग को चुन लिया है, जो उसे छीना नहीं जाएगा। मेरे प्रियो जब आप और हम भी जब ऐसे जीवन को व्यतीत करेंगे मेरे प्रियो, आपसे वो उत्तम भाग जो अनंत जीवन की बातें हैं मेरे प्रियो, आपसे कोई छीन नहीं सकता। और सचमुच में हम एक एक जन उस रीढ़गढ़ में पहुंचकर हर एक दुर्घटनाओं से हम लोग बचेंगे। एक बार फिर के नीति वचन मेरे प्रियो उसका 12:28 पर वचन कहता है कि धर्म के मार्ग में जीवन मिलता है, धर्म के मार्ग में जीवन मिलता है, और उसके प्रथ में मृत्यु का पता भी नहीं चलता है। इसीलिए आज मेरे प्रियो हम धर्म के मार्ग में जीवन को व्यतीत करें, हम लोगों के जैसा ना कहें कि ऑनलाइन आराधना में क्या मिलेगा, आज चर्च में क्या मिलेगा, विनती करने से क्या मिलेगा, प्रार्थना करने से क्या मिलेगा। मेरे प्रियो आपको जीवन मिलेगा, उस पादरी के परिवार को जीवन मिलेगा, आज आपके परिवार को और आपको वो जीवन मिलेगा मेरे प्रियो। और इसीलिए मेरे प्रियो इस समय को हम लोग व्यर्थ ना करें, लेकिन हम मेरे प्रियो इस समय में भी हम परमेश्वर की संगति करें, हम परमेश्वर की अद्भुत आशीषों को हम अपने जीवन में, परिवारों में हम देखने पाएंगे। परमेश्वर हमें के कुछ वचन में अधिकाई से आशीष देवे, आमीन। आइए हम लोग ये बात फिर से प्रभु को हम लोग धन्यवाद करें। एक कोरस गीत को हम लोग गाएंगे, हम लोग और दो पद को गाएंगे और हम लोग अंतिम करेंगे। आज हम लोग इसी समय हम लोग ये गीत को हम लोग गाएंगे, साक्षीवाणी गीत नंबर 146 को गाएंगे, यीशु के पीछे मैं चलने लगा। पहला और अंतिम पद को हम लोग गाएंगे और उसके बाद हम लोग अंतिम प्रार्थना के साथ अंत करेंगे। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा ना लौटूंगा, ना लौटूंगा ना लौटूंगा, गर मैं उसका इनकार ना करूं, गर मैं उसका इनकार ना करूं, गर मैं उसका इनकार ना करूं, ताज पाऊंगा ताज पाऊंगा ताज पाऊंगा पाऊंगा। सभा सभी खड़े हो जाएंगे जैसा जिनको बनता है। आइए हम सारी बातों के लिए प्रभु को धन्यवाद करें, हम लोग अंतिम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 स्वर्ग में विराजमान
हम एक ही का उद्धार करते हैं प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता कि आप इस संध्या काल घड़ी को आपने हमारे दिया है पिता, कि देह की समय संध्या समाज के नाम एक दूसरे के साथ में जुड़ते हैं और आपकी स्तुति और आपकी की महिमा करने पाते हैं। पिता आपका वचन कहता है धन्य है वे जो धर्म के भूखे प्यासे हैं क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। खुदावन आज ये विश्वासी भाई बहन हाँ परमेश्वर बड़े ही समय निकाल कर आपकी संगति करने पाए हैं पिता, जैसा आपने कहा है वे तृप्त किए जाएंगे, उनके जीवन को तो तृप्त कर, उनके परिवारों को तो तृप्त कर, और जैसा आपने कहा पिता धर्म के मार्ग में जीवन मिलता है एक एक को तू बहुत तरह का जीवन प्रदान कर। इस समय जो भी आपका वचन बोया गया है उस वचन में अधिकाइश आशीष प्रदान कर हाँ परमेश्वर, ताकि वो वचन एक एक के जीवन के लिए एक एक सुनने हारों के लिए आशीष का कारण ठहरने पाए प्रभु, और एक एक जन हाँ परमेश्वर व्यर्थ में समय व्यतीत करने से बढ़कर वो आपकी संगति में मरियम के जैसा आपके चरणों में आपकी उपस्थिति में वो जीवन को व्यतीत करने पाए और अनंत जीवन की प्रतिज्ञा को अनंत जीवन की आशीष को अधिकाई से वो प्राप्त करने पाए। एक एक सुनने वालों को बहुत अच्छा आशीष दे, उनके परिवार को आशीष दे, उनके हर एक कामों को तू आशीष दे, हर उनके हर एक योजना में आशीष दे प्रभु, ताकि जब आपकी संगति करते हैं आपके नाम में उनका जीवन फलवंत होने पाए। एक बार फिर के महान परमेश्वर प्रार्थना करते हैं जो भी वचन बोया गया एक एक हृदय में तो अधिकाई से बसने दे, ताकि ना केवल वचन को सुनने वाले लेकिन हर एक दिन वचन के अनुसार चलने वाले बनने पाए। एक बार फिर के प्रार्थना है प्रभु जी पूरे राजगंगपुर पेरिस के साथ होले, एक एक मंडली के साथ होले प्रभु, एक एक परिवार के साथ होले और पूरे मंडली पेरिस को परिवार को तू संभाल, अच्छा भला चरवाहा हो कर चरवाही कर और अपने उत्तम उत्तम आशीषों से तू आप ही आशीष करते हुए उनके जीवन को तू संभाल। हाँ परमेश्वर जिन भी बातों की आवश्यकता है यीशु के नाम में उनके जीवन के लिए तो पूरा कर। यदि कोई समस्या की हालत में है, यदि कोई बीमारी की हालत में है प्रभु तो तू छू ले और आप ही चंगाई का दान दे, एक एक को तो स्वतंत्र कर दे, ताकि एक एक जन स्वस्थ होकर आपके नाम को धन्य कहने पाएंगे। आप था परमेश्वर पिता तो गिरे हुए को उठाता है, झुके हुए को सीधा करता है, बलहीन को बल और सामर्थ्य को सामर्थ्य देता है। आज एक एक को बल दे, एक एक को सामर्थ्य दे और नया जीवन जीने में तू सहायता और आप ही मदद कर। हाँ महान परमेश्वर पेरिस के उन हर एक भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो आपके संगति से दूर में है, यीशु नाम की ज्योति चमका ताकि आपके पास लौट के आने पाए और वे आपको ग्रहण करने पाए। सचमुच में महान परमेश्वर यदि कोई असहाय अवस्था में है तो उनका तू सहारा बन और एक एक को संभालते हुए आशीष भरा जीवन प्रदान कर। हाँ परमेश्वर पिता जवान चूतों को आशीष दे जो नौकरी की तलाश में है, उनके लिए यहोवा इरे होकर तो व्यवस्था कर, पढ़ने लिखने हरों को तो आशीष प्रदान कर और महान परमेश्वर एक एक परिवार में अपनी शांति प्रदान कर। दिन भर के जीवन में आपने हमारे साथ में रहा है, इस रात्रि के घर में भी तो हमारे साथ तो हो लेना प्रभु, ताकि इस रात्रि को आपके अनुग्रह में सकुशल व्यतीत करते हुए हम कल की नई भोर को देखकर आपकी महिमा और आपकी स्तुति करने पाएंगे। सारा आदर महिमा आपको देते हुए अब तक के हम सारे पापों से हम क्षमा चाहते हैं, अपने लहू से सारे पापों को क्षमा कर प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। पिता दया से सुनिए और स्वर्ग के राज में ग्रहण कीजिए, आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पृथ्वी पर पूरी होवे, हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं और हमको परीक्षा में मत डाल परंतु राय से बचा, क्योंकि राज्य पराक्रम और महिमा सदा तेरी है, आमीन। विश्वासी दिन मन होकर त्रिक परमेश्वर का आशीर्वाद वचन ग्रहण करे, परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे, परमेश्वर अपना मुख प्रकाश तुझ पर चमकावे और तुझ पर अनुग्रह करे, परमेश्वर अपना मुख प्रकाश तुझ पर चमकावे और तुझे अपना कुशल देवे, आमीन 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 आमीन। यीशु सहाय।